हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम लड़ते रहेंगे और हम चुनौती देते रहेंगे। ये बात यहाँ पर प्रियंका गांधी कह रही हैं, यानी कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी साफ तौर पर ये बात कह रही हैं कि हम डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने भी बात कही थी कि हम नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी छवि को बदला, इसकी तस्वीर जग जाहिर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदन की सदस्यता को रद्द करने के बाद आप सभी को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर मोर्चा खोल दिया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली कि आप कितना भी डराते रहो, आप कुछ भी करते रहो, सभी को जेल में डाल दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारे रगों में ना शहीदों का खून बह रहा है। आखिर क्यों प्रियंका गांधी ने ये बात बोली, आप इस वीडियो को भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस को जिंदा कर दिया। ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा अगला कदम क्या होगा, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहां इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी रगों में शहीदों का खून है, हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी ने जो बात कही क्या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चुनौती के रूप में निखर कर आएगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बात तो कर देती है लेकिन बात से मुखर जाती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी कैसे अपने भाई राहुल गांधी की जो है सदस्यता को वापस करवाती हैं, क्योंकि 8 साल का वक्त बहुत बड़ा हो जाता है और अगर यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं, राजनीतिक करियर से दूर हो जाते हैं, तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, क्या इसका असर देश के प्रधानमंत्री पर पड़ेगा, क्या आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और प्रियंका गांधी कैसे अपने भाई को न्याय दिला पाएंगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।